तो देखिए भाई, अब हम लोग के पास जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बाउंड्री लेयर थ्योरी। हालांकि ये चैप्टर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक जेई के एग्जामों में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये आना शुरू कर चुका है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जामों के नाम बता दूँ जो कि जेई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। एक तो SSC JEE, जो कि कह सकते हो कि बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन तो देने लगा है। उसके साथ साथ आप इसरो के पेपर को देख सकते हैं, है ना, उसी के साथ साथ आप DRDO के पेपर को देख सकते हैं। ये कुछ बढ़िया एग्जाम हैं जो कह सकते हो कि इन एग्जामों में बाउंड्री लेयर थ्योरी के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री लेयर थ्योरी आप जल्दबाजी में मत पढ़ना, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को पहले समझते जाना, क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, इसके फॉर्मूले आपको याद नहीं हुए, तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन एक ही चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देगा। तो चलिए फिर देखता हूँ मैं, पहली स्लाइड, पहली हेडिंग क्या कहती है। तो पहली हेडिंग जो मेरे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। सबसे पहले मुझे यही बात समझना है कि ये बाउंड्री लेयर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर क्या है, तो मैं उस बात को समझता हूँ, है ना। तो इस बात को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कायदे के साथ। मैं अपनी तरफ से कोई भी फ्लूड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मान लेता हूँ। ये कोई भी फ्लूड हो सकता है। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखाए हुए हैं, कुछ लाइनें दिखाई हुई हैं, ये मेरे किसी लाइन की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, किसी फ्लूड की। तो किसी फ्लूड की मैंने जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिखाई है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि कोई लिक्विड जो है बह रहा है, या एयर फ्लो कर रही है, या आप इसे कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने इसमें किसी फ्लूड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिखा रखी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को कई लोग यू इन्फिनिटी से भी डिनोट करते हैं, और कई लोग इसको यू नॉट से भी डिनोट करते हैं, यू नॉट से। तो ध्यान रखना, ये जो यू नॉट और यू इन्फिनिटी हो सकता है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। एट एट पॉइंट को आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपको यू नॉट देखने को मिलेगा, कई बार आपको यू इन्फिनिटिव देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड होती है ना। ये कोई एयर भी हो सकती है जो बह रही हो, ये कोई हमारा लिक्विड भी हो सकता है जो बह रहा हो। आगे बात सुनिए, इन लिक्विड या इसे फ्लूड के बहने के रास्ते पर अगर कोई स्थिर ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो मान लीजिए मैंने कोई एक स्थिर ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्थिर ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, वैसे ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल जो है अभी इसको स्टेशनरी मान लेता हूँ कि ये कोई भी मेरा स्थिर ऑब्जेक्ट है, जो कि कह सकते हो कि इस फ्लूड के रास्ते में आ गया। बहुत ध्यान सुनना, तो एक बात बताओ, जब ये फ्लूड जो है इस स्थिर ऑब्जेक्ट से गुजरेगा, तो फ्लूड का वह पार्टिकल जो इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर होगा, फ्लूड का वह पार्टिकल जो इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर होगा, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को या इस पार्टिकल को मैंने ए कह दिया, तो फ्लूड का वह पार्टिकल जो इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर होगा, उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही होगी जितनी कि इस ऑब्जेक्ट की है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्थिर है, तो फ्लूड के इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो होगी, यानी ए पार्टिकल भी स्थिर होगा। अगर इसकी वेलोसिटी, इन जनरल मान लीजिए मैंने स्मॉल यू कह दिया या कुछ भी कह दिया, तो जितनी कह सकते हो कि वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की होगी, उतनी ही वेलोसिटी इस पॉइंट ए टी भी होगी, पार्टिकल ए टी भी होगी, ठीक है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। अब मैं बार बार इस चीज को नहीं बता रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं स्थिर मान लेता हूं अपनी तरफ से, कि ये ऑब्जेक्ट मेरी पूरी तरह से स्थिर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए या पार्टिकल ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी ये कंडीशन होल्ड करती है, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। तो ध्यान रखना, इस पूरी कंडीशन को जब ये बात होल्ड करती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग नो स्लिप कंडीशन।
ऐसा केवल इस वजह से होता है कि ये आपका जो पार्टिकल पॉइंट ए मैंने दिखाया हुआ है, तो पार्टिकल पॉइंट ए और ऑब्जेक्ट के बीच में इतना ज़्यादा फ्रैक्शन आता है, इतना ज़्यादा सीयर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से पार्टिकल ए में कोई सी तरह का कोई मोशन नहीं हो पाता, तो पार्टिकल ए भी स्थिर हो जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। मतलब आपका अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन का मतलब यही है कि अगर पार्टिकल ऑब्जेक्ट स्थिर है तो पार्टिकल भी स्थिर होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस पार्टिकल की भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब मोशन भले ही हो लेकिन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, आगे बात सुनिए। सर मैंने इतनी बात, नो स्लिप कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार इसको नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं, कई बार इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा बाउंड्री पे ही मिलेगी कंडीशन, कई नामों से जाना जाता है। आगे बात सुनिए, पॉइंट ए की वेलोसिटी जीरो है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट स्थिर है, मैंने ऐसा कह दिया। अब जैसे जैसे आप पॉइंट ए से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप पॉइंट ए से दूर जाते जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं पॉइंट ए से थोड़ा सा दूर जाता जाऊं, तो जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो बढ़ती जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करती जाती है। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है हमारी अगर इंक्रीज करती जाएगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक ऐसा मुझे पॉइंट मिलता है। देखिए भाई, जैसे जैसे आप बाउंड्री से दूर जा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इंक्रीज करती जा रही है। बट मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल उतनी ही हो जाती है, अप्रॉक्स उतनी हो जाती है जितनी की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यहाँ पर जो अप्रॉक्स का क्राइटेरिया लिया गया है वो 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ध्यान रखना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलता है, लेट्स से दिस पॉइंट है, तो दिस पॉइंट की ये जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, मैं इसके बाद एडे लाइन को कह सकता हूँ कि एकदम सीधा खींचू ना, सीधा क्यों खींच रहा हूँ वो आपको क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कह देता हूँ कि ये वो पॉइंट है, पॉइंट बी मैंने कह दिया, तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% के बराबर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये अप्रॉक्स जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है, है ना। तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी की प्रोफाइल रहेगी, वो सर फिर वेलोसिटी हर जगह सेम हो जाएगी ना, फिर ऊपर वेलोसिटी में कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, जो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है वो मेरा ए से कहां तक मिल रहा है, बी तक मिल रहा है। तो मैंने यहां पर एक छोटी सी बात को नोटिस किया, वो छोटी सी बात क्या है फिर मैं आपको समझाता हूं, कि मैंने ये देखा कि जब भी कभी किसी बहते हुए द्रव में किसी स्थिर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का या द्रव का वह पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसी कंडीशन को नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाते हैं तो फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और एक हमें ऐसा पॉइंट मिलता है, पॉइंट बी जहां पर फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रॉक्स जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, अप्रॉक्स का यहां मतलब 99% से है। तो ये जो पॉइंट बी मिला, ध्यान सुनना, ये जो पॉइंट बी मिला, ऐसे ही बी पॉइंट हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट को या अलग अलग बाउंड्री पे बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है बी जो मिला, वो बी पॉइंट यहां भी बनाया जा सकता है, हर जगह बनाया जा सकता है। तो हर जगह जैसे जैसे बी पॉइंट बना लेंगे, तो इन बी पॉइंटों का लोटस, उन पॉइंटों का लोटस जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो इन बी पॉइंटों का जो लोटस मुझे मिलेगा, किन पॉइंटों का लोटस, उन पॉइंटों का लोटस जहां पर वेलोसिटी जो है वो 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, इन पॉइंटों का लोटस। तो ये जो लोटस मुझे मिला, बस यही लोटस ही मेरा बाउंड्री लेयर कहलाती है। तो ध्यान रखना, इसी लोटस को मैं बाउंड्री लेयर कहता हूं। ठीक
ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूं, बाउंड्री लेयर इज अ लोटस ऑफ पॉइंट बी या इज अ लोटस ऑफ दैट पॉइंट इन विच वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इज इक्वल टू 99% टू फ्री स्टीम वेलोसिटी। तो उन पॉइंटों का लोटस होता है जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी के 99% होती है, और इन्हीं पॉइंटों के लोटस को ही बाउंड्री लेयर कहा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, बाउंड्री लेयर के आपने एक बात देखा कि बाउंड्री लेयर के नीचे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, बाउंड्री लेयर पे वेलोसिटी 99% के बराबर हो चुकी है, तो बाउंड्री लाइन के ऊपर या बाउंड्री लेयर के ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, ये भी बात है। तो ये जो मैंने ग्रीन लाइंस खींची, बस इसी ग्रीन लाइंस को ही बाउंड्री लेयर कहते हैं। एक्चुअली मैं आपको मैं बता दूं, ये जो बाउंड्री लेयर बनी किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, ये बाउंड्री लेयर पूरे फ्लूड को दो पार्टों में डिवाइड करती है। एक तो वो पार्ट हो गया जो बाउंड्री लेयर के अंदर है, और एक वो पार्ट हो गया जो बाउंड्री लेयर के बाहर है। चूंकि दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, क्यों अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि जो इनसाइड द बाउंड्री लेयर फ्लूड होगा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, लेकिन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर फ्लूड होगा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा। आप देखिए, इसके बाद जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी कह सकते हो कि सेम वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि बाउंड्री लेयर वाला जो पॉइंट रहेगा, लेट से ये पॉइंट बी, इस पॉइंट पे मिलने वाली जो वेलोसिटी है वो तो 99% हो चुकी है ना टू फ्री स्टीम वेलोसिटी, तो इसके ऊपर जो मिलेगी वो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बेसिक आइडिया है बाउंड्री लेयर का वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी मैंने बताया कि बाउंड्री लेयर को मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा और सारी चीजें क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर ये जो वेलोसिटी है, ये फ्री स्टीम वेलोसिटी, ये एक्चुअली में फ्लो की एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ध्यान रखना, ये जो फ्री स्टीम वेलोसिटी है तो ये फ्लो की एक प्रकार से एवरेज वेलोसिटी होती है, फ्लो की एवरेज वेलोसिटी होती है, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बाउंड्री लेयर मैंने समझा दिया, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं इस बात को, नो स्लिप कंडीशन याद होनी चाहिए। नो स्लिप कंडीशन मैं फिर से बता दूं, व्हेन पॉइंट पार्टिकल ए, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, तो जब भी तभी पॉइंट ए जो कि बाउंड्री से सटा हुआ है और ऑब्जेक्ट, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, तब उसी कंडीशन को नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। और रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब यह है कि जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी वेलोसिटी पॉइंट ए की भी होगी, अरे वो स्थिर है तो ये भी स्थिर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में मैंने केवल डेफिनेशन आपको आपको लिख दिखाया है अगले स्लाइड में कि क्या होती है बाउंड्री लेयर। तो लोटस ऑफ द पॉइंट, लोटस ऑफ द पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इज इक्वल टू 99% टू फ्री स्टीम वेलोसिटी इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। यानी बाउंड्री लेयर एक प्रकार की कह सकते हो उन पॉइंटों का लोटस होता है जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी के 99% के बराबर होती है, दैट्स इट। ठीक है, कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, इट इज अ थिन लेयर, इट इज अ थिन लेयर, थिन लेयर इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इज इक्वल टू 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो कई लोग ये डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आए रख लीजिए, दोनों एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, और मैंने अभी अभी एक और बात बताई थी उसको भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको वो कंफ्यूजन न रहे। मैंने यहां पर एक और पॉइंट बताया था, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन होती है देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, देखिए ये दोनों डेफिनेशन एक ही है ना, और देयर इज नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन 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 पार्टिकल ए या फ्लूड पार्टिकल,
फ्लूइड पार्टिकल ए, और ये ए कौन सा पार्टिकल हो रहा है जो ऑब्जेक्ट से सटा हुआ हो रहा, बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल ए एंड ऑब्जेक्ट, यानी कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दे द फ्लूइड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल ए एंड ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। बात को ध्यान से समझ लीजिए, या फिर कई लोग इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, कई लोग इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं बहुत सारे जब इंटीग्रेशन कहूंगा तो उन इंटीग्रेशन में मैं इसी नो स्लिप कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन को लगाऊंगा, ठीक है। तो आपने जान लिया कि जो बाउंड्री लेयर होती है वो कुछ और नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर आप घूम जाइए और उन पॉइंटों को ढूंढिए जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% है, उन्हीं पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, और उन पॉइंटों को मिला देने के बाद जो भी आपका लोटस बने, बिंदु पथ बने, उसी लोटस को आप बाउंड्री लेयर कहोगे। इट इज अ थिन लेयर, थिक लेयर नहीं, थिन लेयर, ध्यान रखना इस बात को। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है मेरे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं अब देखिए, फॉर्मेशन तो आपने समझ लिया, अब उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा कायदे के साथ समझना है, तो इसीलिए मैंने फिर से अपनी चीजें स्टार्ट कर ली। जरा ध्यान देते रहना, फॉर्मेशन को और भी कायदे के साथ समझने के लिए मैं फिर से अपनी तरफ से एक नया डायग्राम ले रहा हूं, और इस नए डायग्राम में फिर से आपको फॉर्मेशन को समझा रहा हूं। तो इस नए डायग्राम में मैं ऐसा करता हूं कि यहां से लेकर इस लाइन को मैं अपनी एक्स एक्सिस कह देता हूं, और ये लाइन मेरी वाई एक्सिस कह दी, ठीक है। तो मैंने अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के दिखा दी। ये कोई भी प्लेट है, ये कोई भी स्थिर प्लेट है, ध्यान रखना ये कोई भी स्थिर प्लेट है। आगे बात सुनिए, यहां पर मैंने क्या किया, कोई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिखा दी। तो मान लीजिए किसी फ्लूइड की ये जो मैंने दिखाई, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तो मैं यू नॉट है या यू इन्फिनिटी है, किसी से भी दिखा सकता हूं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लेट्स से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इनफाइनाइट मैंने बता दी, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मेरी यू इनफाइनाइट हो रही। आगे बात सुनिए, अब मुझे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करना है, कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। तो एक बात बताइए, बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन होता है, अच्छा कुछ एज के नाम सुन लीजिए। अगर मैं इस प्लेट की जो लेंथ है, इस प्लेट की लेंथ को मैं यहां से लेकर यहां तक इस प्लेट की लेंथ को एल कह देता हूं, प्लेट की लेंथ को एल कह देता हूं, और साथ साथ जो है अपने इस पॉइंट को पॉइंट ए कह देता हूं, और अपने इस पॉइंट को पॉइंट बी कह देता हूं, इस पॉइंट को पॉइंट बी कह देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के कुछ नाम है, वो नाम भी सुन लीजिए। देखिए पॉइंट ए पर बाउंड्री लेयर बनना स्टार्ट होगी, पॉइंट ए पर बाउंड्री लेयर बनना स्टार्ट होगी, इसलिए जो पॉइंट ए है या ये जो एज है, इस एज को बोला जाता है लीडिंग एज, लीडिंग एज। तो ध्यान रखना, बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा पॉइंट ए से होता है, इसीलिए पॉइंट ए को या इस वाले किनारे को लीडिंग एज कहा जाता है। अच्छा, पॉइंट बी पर फॉर्मेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, बन चुका होता है, इसीलिए इस एज को बोला जाता है ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज। तो आप लोगों को ये छोटे छोटे वर्ड याद होने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड जो है मेरे जब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो ये छोटे छोटे वर्ड उसके सामने आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहां से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस एज को लीडिंग एज कहा जाता है, जहां पर फॉर्मेशन खत्म होता है उस एज को ट्रेलिंग एज कहा जाता है। अब अगर मैं कोई भी सेक्शन ले लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनते ना कायदे के साथ, अगर मैं कोई भी सेक्शन ले लेता हूं, लेट से मैंने ये सेक्शन कोई ले लिया, ये सेक्शन ले लिया कोई, और इस सेक्शन की डिस्टेंस मैं एक्स बोल देता हूं कि सर इस सेक्शन की डिस्टेंस एक्स है, कोई भी सेक्शन है, तो मैं ऐसा कंफर्म कह सकता हूं कि सर जो लीडिंग एज होगा उस सेक्शन के लिए एक्स मेरा शुड बी इक्वल टू जीरो, लीडिंग एज के लिए एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, और जो ट्रेलिंग एज होगा उस एज के लिए एक्स शुड बी इक्वल टू एल, है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल, ये सवालों में रखा जाएगा, फॉर्मुलों में रखा जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लीडिंग एज के लिए सर एक्स जीरो होगा, जबकि ट्रेलिंग एज के लिए एक्स मेरा एल होगा। एल क्या है सर, लेंथ ऑफ प्लेट है, ये कोई भी फ्लैट प्लेट मैंने कंसीडर की हुई है, तो लेंथ ऑफ प्लेट है, लीडिंग एज के लिए मैंने एक्स बताया, ट्रेलिंग एज के लिए एक्स बताया। अब ध्यान सुनना और आ रही, अब मैं बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करता हूं, तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन किया जाएगा, तो फॉर्मेशन की स्टार्टिंग मेरी पॉइंट ए से होगी, और जैसे पॉइंट ए से फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है
और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं वैसे ध्यान रखना बॉन्डी लेयर की जो थिटनेस है, थिटनेस ऑफ बॉन्डी लेयर वो भी मेरी बढ़ती जाती है, थिटनेस ऑफ बॉन्डी लेयर भी मेरी इंक्रीज होती जाती है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे मैं लेंथ में आगे बढ़ता हूं तो मेरी बॉन्डी लेयर की जो थिटनेस है वो इंक्रीज करती जाती है। क्यों इंक्रीज करती है मैं उसका एक रीजन दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्यों इंक्रीज करती है बाउंड्री लेयर की थिकनेस। अच्छा थिकनेस क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लेट से इस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स या कोई पॉइंट ही ले लीजिए, इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि ये पॉइंट मेरा कोई पॉइंट के है, इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट के कह दिया मैंने। अब बात को आगे समझिए ना, तो मैंने ये जो लेयर आपको बना के दिखाई ये लेयर है, एक्चुअली में ये लेयर ही मेरी बाउंड्री लेयर है। तो मैं लिख देता हूं कि सर दिस इज लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। ठीक है कि सर मेरी ये बाउंड्री लेयर है, तो बाउंड्री लेयर है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सर बाउंड्री लेयर है तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या है। तो थिकनेस का क्या मतलब होता है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस की डेफिनेशन देखिएगा कि सर ये जो प्लेट है इस प्लेट से परपेंडिकुलर जाइए, तो इस प्लेट से आप परपेंडिकुलर जाते हुए उस पॉइंट को बस उठा लो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 99% हो रही हो, और 99% जो वेलोसिटी होती है वो तो बाउंड्री लेयर वाले पॉइंट पे होती है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाउंड्री लेयर उन पॉइंटों का बिंदुपद होता है जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% के बराबर होती है। भाई बाउंड्री लेयर है क्या, उन पॉइंटों का लोटस है जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी 99% होती है, किसकी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की, यही तो बाउंड्री लेयर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर मुझे यदि बाउंड्री लेयर की थिकनेस चाहिए, मोटाई चाहिए, तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस चाहिए तो मान लीजिए मुझे के पॉइंट पे थिकनेस चाहिए, तो के पॉइंट पे यदि बाउंड्री लेयर की थिकनेस चाहिए तो इस के पॉइंट से आप परपेंडिकुलर जाइए और उस पॉइंट पे जाके रुक जाइए जहां पर मिलने वाली वेलोसिटी 99% हो चुकी हो। तो यहां से लेटर यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी डेट इज ये डिस्टेंस, यहां से लेटर यहां तक की डिस्टेंस, बस इसी डिस्टेंस को ही मैं बोलता हूं डेल्टा, और डेल्टा इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो ध्यान रखना यहां पर जो मैंने डेल्टा दिखाया है इसी डेल्टा को बोलता हूं बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो डेल्टा इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस, थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। अच्छा इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि ये कैसे मेजर किया जाता है, ये कहां मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेट, नॉर्मल टू द प्लेट, है ना। तो मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं इस बात को कि मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर जो भी बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट मेजर की जाती है। ठीक, आगे बात सुनिए, सर परपेंडिकुलर टू प्लेट मेजर की जाती है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा पॉइंट डाउट में रहूंगा कि सर एक बात बताइए, आपने बाउंड्री लेयर की स्टार्टिंग यहां से की और जैसे जैसे प्लेट में लंबाई में आगे बढ़े वैसे वैसे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, देखिए डेल्टा थिकनेस है तो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों पहले ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं होता क्या है, जैसे कि मैं यहां पर दो पॉइंट्स लूं, पहला पॉइंट ये लेता हूं और दूसरा पॉइंट ये लेता हूं, पॉइंट वन और पॉइंट टू, बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत ध्यान से, अब भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए बाउंड्री लेयर को, भूल जाइए, आप बस ऐसा सोचिए कि सर ये प्लेट रखी हुई है और मैंने यहां पर दो पॉइंट लिए पॉइंट वन और पॉइंट टू, तो मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट वन और पॉइंट टू में बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी वेलोसिटी कम होगी, तो आप कहोगे कि सर ये फ्लूड आगे बढ़ता चला आ रहा था, तो पहले क्या हुआ कि केवल इतना फ्रैक्शन मिला उसको तो वेलोसिटी यहां कुछ कम हो रही होगी, लेकिन जब पॉइंट वन से पॉइंट टू की ओर जाएगा तो वेलोसिटी और कम हो रही क्योंकि और ज्यादा फ्रैक्शन मिला। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉइंट वन पे जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी वी वन और पॉइंट टू पर जो वेलोसिटी मिलेगी वी टू, ये दोनों सेम नहीं होगी, श्योर है सर सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि पॉइंट वन तक पहुंचने के लिए केवल इतने फ्रैक्शन का सामना करना पड़ा, अगर कि पॉइंट टू तक पहुंचने के लिए थोड़ा और फ्रैक्शन का सामना करना पड़ा, इसका मतलब पॉइंट वन और पॉइंट टू की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, कौन सी वेलोसिटी सर ज्यादा होगी, तो यहां पर पॉइंट वन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब एक बात बताइए, अगर पॉइंट वन की वेलोसिटी सर ज्यादा है, थोड़ा सोचना इस बार को कि पॉइंट वन की वेलोसिटी सर ज्यादा है पॉइंट टू की वेलोसिटी से, तो पॉइंट वन ज्यादा है
तो थोड़ा सा ही आगे बढ़कर, थोड़ा सा ही ऊंचाई में जाकर 99% मिल जाएगा उसको वेलोसिटी का। लेकिन 0.2 की वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब यह है कि उसको और ज्यादा लेंथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब पे जाते वेलोसिटी 99% होगी। और ज्यादा लेंथ में आगे बढ़ेगा इसका मतलब यही है कि 0.2 पर मिलने वाली जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी सर वो ज्यादा होगी। अरे भाई मैं कह देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूँ कि जो यू इनफाइनाइट है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मैंने बता दिया 10 मीटर यू इनफाइनाइट, और कह दिया 0.1 की वेलोसिटी 5 है, 0.2 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बता दी कम है, तो 5 से जब मुझे 10 तक पहुंचना होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा ना, तो कम मोटाई की जरूरत पड़ेगी। अब 2 से 10 तक पहुंचना होगा तो देर में पहुंचेगा ना, ज्यादा मोटाई की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 0.1 और 0.2 दोनों में से 0.2 पर जो थिकनेस होगी बाउंड्री लेयर की सर वो ज्यादा होगी, 0.2 पर जो थिकनेस होगी बाउंड्री लेयर की वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, इस बात को लिख भी देता हूं कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एक्चुअली में इज द फंक्शन ऑफ एक्स, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ध्यान रखना, इस बात को मैं आगे लिख भी देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी बाउंड्री लेयर की थिकनेस है जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जो डेल्टा होगा वो मेरा एक्स का फंक्शन होगा। बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होगी वो इज द फंक्शन ऑफ एक्स होगी। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस जो है वो एक्स का फंक्शन होगी। इसका मतलब यही है कि सर जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाओगे तो एक्स को बढ़ाने से बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होगी वो भी तुम्हारी बढ़ेगी। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस एक्स को बढ़ाने से कह सकते हो बढ़ती है। अब एक्स को बढ़ाने से बढ़ती है तो सर कहां एक्स सबसे कम है, कहां एक्स सबसे ज्यादा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमारा कौन सा एज था? कह सकते हो कि लीडिंग एज, देखिए जो पहला वाला पॉइंट था आपका वो कौन सा एज था? लीडिंग एज। और अगला वाला पॉइंट हमारा ट्रेलिंग एज। तो लीडिंग एज पे आप ऐसा कह सकते हैं सर एक्स जीरो था, तो एक्स जीरो तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी जीरो। लेकिन जो हमारा ट्रेलिंग एज होगा उस पर देखिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं। तो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता सकता हूं कि फॉर लीडिंग एज, तो लीडिंग एज के लिए बताइए जरा एक्स कितना है? जीरो। तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी कितनी है? जीरो। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये लीडिंग एज के लिए लिखा। अब अगला जो पॉइंट आ जाएगा मेरा वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? फॉर ट्रेलिंग एज। तो बताइए जल्दी से जो हमारा ट्रेलिंग एज होगा उस ट्रेलिंग एज के लिए जो एक्स होगा वो कितना होगा? तो ट्रेलिंग एज के लिए जो एक्स होगा वो एल के बराबर होगा। भाई सबसे ज्यादा एक्स, तो ट्रेलिंग एज के लिए एक्स एल सबसे ज्यादा, और उस समय जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी सर वो मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज में से किस एज के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी? तो सर ट्रेलिंग एज के लिए ज्यादा होगी, लीडिंग एज के लिए नहीं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। अब यहां पर आ रही बात सुनिए, थिकनेस को बताने से पहले कि डेल्टा का मान बताने से पहले, अभी मैं थोड़ी देर में डेल्टा का फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि मुझे इसके बाद बताना पड़ता है रेनॉल्ड नंबर। क्योंकि फ्लैट प्लेट के लिए, जो मैंने फ्लैट प्लेट अभी आपको डायग्राम बनाया था, तो फ्लैट प्लेट के लिए अगर किसी पॉइंट पर रेनॉल्ड नंबर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है फॉर फ्लैट प्लेट, तो फ्लैट प्लेट के लिए जो रेनॉल्ड नंबर होती है वो होती है रो वी, वी मतलब कह सकते हो कि वी नहीं, यू इन्फिनिटी लीजिए, यू इन्फिनिटी कह दीजिए, या जो भी कैलकुलेशन में आपने लिया हो यू नॉट ले लीजिए, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो रो यू एक्स और डिवाइड बाय कह सकते हो रो वी डी अपॉन म्यू, तो म्यू, तो ये नीचे हमारा कह सकते हो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला मेरा फॉर फ्लैट प्लेट लगता है। अगर याद करो जो मैंने पाइप पढ़ाया था, तो पाइप वाले टेस्ट के लिए यहां पर ये जो एक्स आया था एक्स नहीं था, एक्स के स्थान पर डायमीटर था, एक्स के स्थान पर क्या था? डायमीटर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डायमीटर का कॉन्सेप्ट है
वो हमारा पाइप फ्लो के टेस में है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पाइप फ्लो ना हो हमारे पास, फ्लैट प्लेट हो, तो फ्लैट प्लेट लिए मिलने वाली जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वहां पर डायमीटर की जगह क्या होता है, एक्स हो जाता है। तो किसी भी पॉइंट पे मुझे रेनॉल्ड नंबर अगर निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से रेनॉल्ड नंबर भी बता सकता हूं। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे की कहानी करते हैं। जैसे कि डायग्राम सब प्रोवाइड क्लियर है, अब इस डायग्राम में मैंने बताया कि ये जो बाउंड्री लेयर आपने बनाई, ये बाउंड्री लेयर फ्लूड को, पूरा फ्लूड फ्लो को दो पार्टों में डिवाइड करती है, दो जोन में डिवाइड करती है। अगर मैं दोनों जोन को लिख देता हूं कि सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा हो गया जोन नंबर वन, किसी भी जोन नंबर वन कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्स्ट जोन हो गया, फर्स्ट जोन। और ये मान लीजिए इनसाइड द बाउंड्री लेयर सेकेंड जोन हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो बाउंड्री लेयर थी उस बाउंड्री लेयर के अकॉर्डिंग पूरे फ्लूड फ्लो को दो जोन में डिवाइड करा दिया। एक तो हमारा फर्स्ट जोन जो कि बाउंड्री लेयर के आउटसाइड है, और दूसरा हमारा सेकेंड जोन जो बोटी बाउंड्री लेयर के इनसाइड है। इन जोनों में बहुत सारे पैरामीटर्स जो है डिफरेंट हैं, वो क्या क्या पैरामीटर डिफरेंट है वो सारी बातें आपसे पूछी जाती है, उनको भी समझना है ना। तो फर्स्ट जोन सेकेंड जोन समझ लीजिए, फर्स्ट जोन क्या है आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, और सेकेंड जोन क्या है इनसाइड द बाउंड्री लेयर। ठीक, तो चलिए फिर इनके अंतर को भी समझ लेते हैं कि ये अंतर क्या है हमारे पास। ये देखिए लिख के रखा है ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, तो मैंने कहा मेरे पास दो जोन है, एक तो फर्स्ट जोन, फर्स्ट जोन मैंने कौन सा बोला था आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, फर्स्ट जोन क्या मैंने बोला था, देखिए फर्स्ट जोन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर है ना। तो मैं लिख भी देता हूं कि फर्स्ट जोन क्या है, तो फर्स्ट जोन है मेरे पास आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर, ध्यान रखना। और सर सेकेंड जोन क्या है, सेकेंड जोन है इनसाइड द बाउंड्री लेयर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर, क्लियर है। अब इनमें देखिए बहुत सारे डिफरेंट आते हैं, पूछे जाते हैं, वो डिफरेंस मैं आपको पहले बता दूं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट जोन आपका बाहर माना गया है वो हमारा आउटसाइड द बाउंड्री लेयर है, और सेकेंड जोन मैंने इनसाइड मान लिया, किसी को कहीं मानिए उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड को समझना ज्यादा अच्छे से। तो इनसाइड द बाउंड्री लेयर, तो जब भी बाउंड्री लेयर की आप अंदर रहोगे, तो अंदर रहने पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको मिलेगी, अंदर रहने पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी आपको देखने को, वो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी प्रोफाइल मिलेगी, ये वेलोसिटी। तो इनसाइड द बाउंड्री लेयर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल ये मिलेगी, ठीक है। और यदि आप इसी तरह से आउटसाइड द बाउंड्री लेयर जाओगे, तो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, तो बाउंड्री लेयर जब आउटसाइड आप चले जाओगे, तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी वो कुछ ये देखने को मिलेगी, ये। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल मेरी आउटसाइड द बाउंड्री लेयर है, ठीक है। तो पहले आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि इनसाइड द बाउंड्री लेयर कौन सी प्रोफाइल होगी, दिस और आउटसाइड दिस, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए बहुत सारे अंतर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से अंतर है मैं बता देता हूं। जैसे कि इनसाइड द बाउंड्री लेयर ये प्रोफाइल मिलेगी, तो ये प्रोफाइल, अच्छा ये किसकी प्रोफाइल है, वेलोसिटी की प्रोफाइल है, ये किसकी प्रोफाइल है, वेलोसिटी की है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ये जो पॉइंट था आपका, ये पॉइंट अगर याद हो तो ये पॉइंट 0.99 टाइम्स यू नॉट था, है ना। और ये जितने भी वेलोसिटी है ये अप्रॉक्स जो है सारी के सारे मान यू नॉट के बराबर है। अरे बात सुनिए सर, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कहां पर डेवर यू अपॉन डेवर यू, डेवर यू अपॉन डेवर वाई एग्जिस्ट करेगा, और कहां पर डेवर यू अपॉन डेवर वाई जीरो होगा, है ना। तो एक बात बताइए, यहां पर तो सर कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है, और जबकि यहां पर अगर बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। भाई देखिए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां जीरो है, जबकि यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो नहीं है। आगे बात सुनिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां जीरो है तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जो मिलने वाला शियर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा, जबकि यहां पर जो मिलने वाला शियर स्ट्रेस होगा वो तो सर जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आगे बात सुनिए सर, यहां पर शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, यहां शियर स्ट्रेस जीरो होगा। आगे बात सुनिए, बात यदि मैं विस्कस फोर्स की करता हूं, तो भैया जो विस्कस फोर्स आता है वो तो शियर स्ट्रेस के कारण आता है ना, तो शियर स्ट्रेस जीरो है तो विस्कस फोर्स भी जीरो,
जबकि अगर मैं बात यहां करता हूं कि सर यहां बताइए विस्कस फोर्स, तो यहां सर विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा। तो जो विस्कस इफेक्ट है वो इनसाइड द बाउंड्री लेयर देखने को मिलता है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर देखने को नहीं मिलता। ये बात समझे रहिए आप लोग है। अगले बात सुनते, जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया था, बात यहां रोटेशनल और इरोटेशनल कर लेता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं काइनेमैटिक्स पढ़ाया था तो काइनेमैटिक्स में ये बात क्लियर रहती थी कि जब भी कभी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो एक बात बताइए, अगर कोई भी फ्लूड पार्टिकल यहां रख दिया जाए बीच में, कोई भी फ्लूड पार्टिकल इनके बीच में होगा, तो एक वेलोसिटी ऊपर जाता है नीचे वेलोसिटी कम है, तो यहां रोटेशन आ जाएगा ना, यहां रोटेशन आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी कभी फ्लूड पार्टिकल में रिलेटिव मोशन होता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है तो नॉर्मली वो फ्लो मेरा रोटेशनल फ्लो होता है। तो कह सकता हूं कि यहां जो मिलने वाला फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो होगा, सर वो रोटेशनल फ्लो होगा, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां मिलने वाला फ्लो मेरा रोटेशनल फ्लो होगा, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट है और वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो फ्लो रोटेशनल मिलता है। छोटी अगर ये वाला पार्टिकल तो देखा जाए तो ऊपर और नीचे की वेलोसिटी अगर डिफरेंट है तो रोटेट हो जाएगा। इधर आइए, जब भी यहां वेलोसिटी सेम है तो यहां मिलने वाला फ्लो मेरा इरोटेशनल होगा, यहां मिलने वाला फ्लो मेरा इरोटेशनल होगा। जब भी कभी फ्लो इरोटेशनल होता है तो उसका जो रोटेशनल कंपोनेंट है जिसको मैं ओमेगा कहता हूं, और वोल्टिसिटी है जिसको याले ओमेगा से कहता हूं, इरोटेशनल है, तो कंफर्म दोनों मान मेरे क्या हो रहे, जीरो होने। जबकि अगर बात यहां करते हैं कि सर ये तो रोटेशनल है, तो रोटेशनल है तो इसका मतलब रोटेशनल कंपोनेंट और वोल्टिसिटी दोनों के मान जीरो नहीं होंगे, क्योंकि भाई रोटेशनल है ना भाई, अगर जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब रोटेशन नहीं हो रहा, इरोटेशनल हो गया, और जीरो नहीं होते तो इसका मतलब रोटेशन हो रहा। ठीक है, चलिए इतनी बात हो रही। अच्छा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में, जैसे कि बात रिलेटिव मोशन की कर लेते हैं। सर यहाँ रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट है जबकि यहाँ रिलेटिव मोशन जीरो है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सर रिलेटिव मोशन किसके भी रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूड लेयर तो यहाँ रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा, होगा। और जबकि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि सर यहाँ रिलेटिव मोशन क्या है, तो यहां पर जो रिलेटिव मोशन है मेरा सर वो जीरो है। तो ये सारे अंतर आप लोगों को लिखने हैं, यहां रिलेटिव मोशन जीरो है जबकि यहां रिलेटिव मोशन जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा और भी अंतर देखा जाए। सर यहां फ्लो इरोटेशनल है, बहुत ध्यान सुनना, यहां फ्लो रोटेशनल है। तो एक फ्लो और आप लोग पढ़ते हो जिसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल फ्लो। एक्चुअली में जो पोटेंशियल फ्लो होता है वो होता है स्टडी फ्लो प्लस इरोटेशनल फ्लो। तो स्टडी के साथ जब भी कभी इरोटेशनल लगाया जाता है तो वो पोटेंशियल फ्लो आता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो मिलेगा फ्लो वो मेरा पोटेंशियल फ्लो होगा, यहां मिलने वाला फ्लो मेरा पोटेंशियल फ्लो होगा, ध्यान रखना। और जबकि यहां जो मिलेगा फ्लो वो नॉन पोटेंशियल फ्लो होगा, क्योंकि स्टडी प्लस रोटेशनल थोड़ी ना, तो यहां पर फ्लो मेरा नॉन पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसके बाद और कहानी सुनिए, याद करिए बर्नौली इक्वेशन। जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो केवल इरोटेशनल फ्लो के लिए एप्लीकेबल होती है। तो कह सकते हो कि सर ये आइडियल फ्लो माना जा सकता है, या यू कहिए यहां पर बर्नौली इक्वेशन लगाई जा सकती है और यहां बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां पर जो बर्नौली इक्वेशन आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो। और जबकि यहां मैं बात करता हूं कि सर यहां पर बर्नौली इक्वेशन बताइए, तो यहां पर जो बर्नौली इक्वेशन होगी आप उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो केवल और केवल इरोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड होती है। तो इरोटेशन लगा सकते हो, रोटेशनल में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स यहां देखे जा सकते हैं, है ना। तो इनसाइड द बाउंड्री लेयर आउटसाइड द बाउंड्री लेयर में बस आपको याद जो रखना है वो ये प्रोफाइल याद रखनी है कि इनसाइड द जो बाउंड्री लेयर होगा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा तो सारी चीजें आपको खुद ही याद आने लगेंगी। आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो, टोटल वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो सारी की सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें ऑटोमेटिक याद होंगी। ठीक है, तो अभी मैंने बहुत बेसिक बात आपको बताई है बाउंड्री लेयर के बारे में, बहुत ज्यादा बेसिक बात कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन क्या होती है। 99% कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 99% टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी।
फॉर्मेशन कैसे होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और फिर मैंने लीडिंग एज बताया, ट्रेलिंग एज बताया, और लीडिंग एज पे एक्स कितना होता है, बाउंड्री ट्रेलिंग एज पे एक्स कितना होता है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है वो भी बढ़ती है। ये भी मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किया है, यानी जो डेल्टा होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। फिर इनसाइड द बाउंड्री लेयर, आउटसाइड द, इनसाइड द बाउंड्री लेयर हमेशा हमेशा कह सकते हो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, जबकि आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा। तो जीरो होने की वजह से बहुत सारे टर्म्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा इसलिए बहुत सारे टर्म जीरो नहीं होते। तो यहाँ फ्लो रोटेशनल हो जाएगा, रोटेशनल होगा, नॉन पोटेंशियल होगा, ये सारी बातें आप लोग रोटो समझ में आ रही होंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने जो बेसिक था वो आपको डील कर दिया। अब मैं कल जो बताऊंगा अगले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी वो फिर बात होगी टाइप्स ऑफ बाउंड्री लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर क्या होगी, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर क्या होगी, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर क्या होगी, उन पर रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे, वो सारे फंक्शन होंगे, ठीक है। चले फिर तो देखिए अभी मैंने जो बाउंड्री लेयर में पढ़ चुका हूं उसी थ्योरी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले दो मिनट मेरी फिर से बातें सुन लीजिए, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर जरा से भी इधर उधर मिस हुआ तो चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए मैंने आपको जो बाउंड्री लेयर में स्टार्ट में बताया था कि बाउंड्री लेयर इज अ लेयर इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, वो भी फ्री स्ट्रीम। मतलब बाउंड्री लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिस पर मिलने वाली वेलोसिटी का मान फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% के बराबर हो जाता है, तो उस लेयर को हम लोग बाउंड्री लेयर कहते हैं। जो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है बाउंड्री लेयर में वो इनसाइड द बाउंड्री लेयर आता है, लेकिन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि आइडियल फ्लो कहाँ होगा, तो आइडियल फ्लो हमारा आउटसाइड द बाउंड्री लेयर होता है, क्योंकि वहां पर आने वाला शियर स्ट्रेस, वहां पर आने वाला वेलोसिटी ग्रेडियंट सब जीरो होता है। परंतु जो रियल फ्लो होता है वो इनसाइड द बाउंड्री लेयर होता है। तो बाउंड्री लेयर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं। अब यहां पर मैं बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को और भी थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे बात को समझेंगे। नेक्स्ट मेरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ बाउंड्री लेयर, मतलब यह है कि मेरे पास अगर कोई फ्लैट प्लेट हो तो उस फ्लैट प्लेट में कितने तरह की बाउंड्री लेयर फॉर्म हो सकती है। तो इस बात को समझने के लिए मैं अपनी तरफ से एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बना देता हूं। लेट से दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो मैंने दोनों को, एक को वाई कह दिया, एक को एक्स एक्सिस कह दिया। साथ साथ मैं ऐसा कह देता हूं कि मेरी यहां से लेकर यहां तक कोई एक फ्लैट प्लेट है, मतलब मैंने ऐसा बोल दिया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई भी एक फ्लैट प्लेट मान सकते हैं। तो ये मेरी कोई फ्लैट प्लेट हो गई, तो फ्लैट प्लेट को मैंने हैचिंग भी कर दी ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर ये मोटाई वाली फ्लैट प्लेट है, ठीक है, इतना मैंने मान लिया। ध्यान रखना ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, उसके साथ साथ मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी तरफ से क्या कह दिया कि सर ये जो वाई एक्सिस थी मेरे पास, इस वाई एक्सिस के पास ही मैंने एक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिखा दी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। आप सबको पता है कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब यू नॉट होता है, या फिर कई सारे लोग इसको यू इनफाइनाइट से भी डिनोट करते हैं। तो चाहे आप यू नॉट कहिए चाहे यू इनफाइनाइट कहिए, एक ही बात है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इज अ एवरेज वेलोसिटी फॉर द स्ट्रीम। तो सभी पूरी स्ट्रीम की एक एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। अरे बात सुनिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जहाँ से प्लेट की स्टार्टिंग होती है, डैट मीन्स दिस एंड इज सेट टू बी, कहते हो इस एंड को कहा जाता है आपका लीडिंग एज। तो ये एज कहलाता तुम्हारा लीडिंग एज, और ये जो एज कहलाता है ये कहलाता है आपका ट्रेलिंग एज, है ना। तो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसलिए यू इनफाइनाइट हटा देता हूँ, क्योंकि सबको पता है यू नॉट या इन्फिनिटी, टू लेटर चलेंगे, बार बार दो टू लेटर नहीं चलेंगे। हाँ आगे बात सुनिए, फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है और जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस आती है, मोटाई आती है, तो वो इस लीडिंग एज से शुरू होती है और मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ट्रेलिंग एज तक होती है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। तो मैं अपनी तरफ से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करता हूँ। अब सुनना बड़े ध्यान से, किसी भी फ्लैट प्लेट में जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हो सकती है, मैक्सिमम तीन तरह की फॉर्म हो सकती है।
कुछ इस तरह से मैं बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करता हूँ, आप तो देखते जाइएगा किस तरह से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और वो कौन कौन सी बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी। तो कुछ ये, फिर ये जोन मिलता है, फिर ये। तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको बता दूं कि कौन से जोन को क्या नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक टाइट प्रोजेक्शन डालूं, साथ साथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइट प्रोजेक्शन डालूं, उसी तरह से इस पॉइंट तक टाइट प्रोजेक्शन डालूं, तो आपने देखा कि ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हुई है, अच्छा दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर, है ना, ये दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर, ये है मेरी बाउंड्री लेयर। चलिए, अच्छा ये मेरी बाउंड्री लेयर है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाउंड्री लेयर वो लेयर होती है जिस पर मिलने वाली जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। यही यू कह सकते हो कि 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, है ना। तो बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन होती है कि मिलने वाली वेलोसिटी आपकी 99% के बराबर होनी चाहिए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। आगे सुनिए, इस फ्लैट प्लेट के लिए देखिए मैंने तीन तरह के जोन बना के दिखाए हैं। तो ये फर्स्ट बाउंड्री लेयर होती, सेकेंड और ये थर्ड आपका, है ना। आगे बात सुनिए, ये जो फर्स्ट बाउंड्री लेयर आई है, डेट मीन्स यहां से लेटर यहां तक की जो बाउंड्री लेयर मिलेगी आपको, बाउंड्री लेयर एक्चुअली में ऊपर है, है ना, उसी तरह से यहां से लेटर यहां तक की जो बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी। और एक तीसरा जोन और भी आया है, ये जोन। तो आपको कह सकता हूं कि ये जो शुरुआत में बाउंड्री लेयर मिलती है, डेट मीन्स ये बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर, तो ये बाउंड्री लेयर मिलती है मेरी लेमिनार फ्लो के लिए। तो ध्यान रखना, जो ऊपर बाउंड्री लेयर मिली है ये मेरी लेमिनार के लिए है बाउंड्री लेयर, जो बीच में ये बाउंड्री लेयर मिली है ये बाउंड्री लेयर मेरी ट्रांजिशन फ्लो के लिए है, ट्रांजिशन शॉर्टकट में है, आप पूरा लिख लीजिएगा। और वो जो थर्ड वाली बाउंड्री लेयर मिली है ये मेरी कह सकते हो कि ये है मेरी टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर मिलती है, फिर ट्रांजिशन, फिर मेरा टर्बुलेंट फ्लो के लिए। आगे बात सुनिए, अगर मैं इनको और अच्छे से दिखाऊं और ये कह दूं कि सर मेरी जो बाउंड्री लेयर है, मान लीजिए लेट से मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, और मैं आपसे कहूँ कि इस ए पॉइंट पर जरा वेलोसिटी प्रोफाइल खींचिए, तो इस ए पॉइंट पर कुछ इस तरह से आप पहले वर्टिकल लाइन खींच दोगे, और जब वेलोसिटी प्रोफाइल की बात आएगी तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से खींच दोगे, ये वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लेमिनार फ्लो, है ना। और अगर मैं अपनी तरफ से उसी तरह से इस पॉइंट को अपनी तरफ से बी पॉइंट कह दूं, ध्यान से सुनते हैं ना, तो जो लास्ट वाली वेलोसिटी मैंने दिखाई है, डेट मीन्स दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 99% ऑफ यू नॉट, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली यू नॉट के बराबर है, तो गलत नहीं होगा अगर मैं यहां इसको यू नॉट लिख दूं, है ना, अप्रॉक्स यू नॉट है। और आप सबको ये बात पता है कि ए से लेटर बी तक की ये जो आपकी थिकनेस आई है, डेट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस, है ना। और ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं अपनी तरफ से डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूं कि सर ए से बी तक की जो थिकनेस है वो मेरी डेल्टा है। हालांकि ये थिकनेस लेमिनार फ्लो के लिए है, है ना, टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी अभी मुझे निकालनी है, लेमिनार के लिए भी निकालनी है। तो दिस इज ए बी थिकनेस फॉर लेमिनार फ्लो, ये वेलोसिटी मैंने प्रोफाइल बनाई। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लेमिनार फ्लो के लिए मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई है, दिस वेलोसिटी प्रोफाइल, तो ये कौन सी प्रोफाइल आती है। तो ये जो लेमिनार फ्लो के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल आती है, तो ध्यान रखना ये वेलोसिटी प्रोफाइल मेरी पैराबोला आती है, पैराबोला। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लेमिनार फ्लो के लिए मिलने वाली वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोला होती है, लेमिनार फ्लो के लिए जो थिकनेस है वो डेल्टा मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये सब कॉमन सी बातें हैं जो हो चुकी हैं थोड़ी देर पहले, है ना। चलिए आगे की बात सुनिए, इसी तरह से मैं बात करता हूँ आप टर्बुलेंट जोन की। वैसे ट्रांजिशन जोन बहुत छोटा जोन होता है, बहुत बड़ा जोन नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो एनालिसिस होती है वो लेमिनार और टर्बुलेंट जोन की होती है। आगे बात सुनिए, होता क्या है कि जब मैं टर्बुलेंट जोन में जाऊँगा तो टर्बुलेंट जोन में टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के साथ साथ एक और बाउंड्री लेयर आपकी फॉर्म होती है, वो बाउंड्री लेयर एक्चुअली में प्लेट के आसपास फॉर्म होती है, प्लेट के आसपास फॉर्म होती है ये। तो ध्यान रखना ये जो बाउंड्री लेयर नीचे फॉर्म होती है, एक्चुअली में इस बाउंड्री को बोला जाता है लेमिनार सब लेयर। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड लेमिनार सब लेयर,
तो मैं लिख भी देता हूं कि इसको आप लोग बोलते हैं लेमिनार सब लेयर, लेमिनार सब लेयर। एक्चुअली में होता क्या है, होता क्या है कि प्लेट के आसपास जो भी लिक्विड का फ्लो होता है, प्लेट के आसपास जो भी लिक्विड का फ्लो होता है उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेट के आसपास शियर स्ट्रेस का मान ज्यादा होगा, प्लेट के आसपास शियर स्ट्रेस का मान ज्यादा होगा, और शियर स्ट्रेस का मान ज्यादा होगा प्लेट के आसपास तो मानी बात है वहां पर विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। तो विस्कोसिटी के इफेक्ट के कारण यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी नहीं होती है, विस्कोसिटी के इफेक्ट के कारण ही यहाँ पर विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और लेमिनार फ्लो डेवलप होता है। बट ये लेमिनार फ्लो की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। अब आप इसको लेमिनार फ्लो नाम दे चुके हैं, इसी वजह से इस लेयर को बोला जाता है लेमिनार सब लेयर, लेमिनार सब लेयर। एंड अगर यहाँ से लेटर यहाँ तक की थिकनेस की बात करेंगे, इस थिकनेस की बात करेंगे तो इस थिकनेस को बोला जाएगा थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर, थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर। ठीक है, आगे बात सुनिए ये। अच्छा एक बात और सुनो, इसकी प्रोफाइल लेमिनार फ्लो की प्रोफाइल तो मैंने पैराबोला कही, लेकिन लेमिनार सब लेयर इतनी छोटी होती है, इतनी पतली होती है, मतलब बहुत कम मान होता है इस थिकनेस का, जिसकी वजह से इसकी प्रोफाइल को लीनियर माना जाता है। तो ध्यान रखना इसकी जो प्रोफाइल मानी जाती है लीनियर मानी जाती है। हालांकि प्रोफाइल दिखाना इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा कहो तो इस तरह से दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वेलोसिटी फ्री है, मतलब ये जो प्रोफाइल मैंने आपको बना के दिखाई, ये प्रोफाइल इतनी कम लेयर की होती है, इतनी कम थिकनेस की होती है कि अप्रॉक्स इस प्रोफाइल को मैं कह सकता हूँ कि लीनियर माना जा सकता है। तो ध्यान रखना इस प्रोफाइल को मैं अप्रॉक्स लीनियर कह सकता हूँ, अप्रॉक्स लीनियर कह सकता हूँ। आगे बात सुनिए, इसके जस्ट ऊपर जो है मुझे टर्बुलेंट फ्लो की कह सकते हो। अब देखिए ये लेमिनार जोन की बाउंड्री लेयर हो रही, ये ट्रांजिशन जोन की हो रही, ये टर्बुलेंट जोन की है। तो टर्बुलेंट जोन की है तो टर्बुलेंट जोन के लिए भी मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। लेट से दिस पॉइंट है, इस ये पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से बी नाम हो चुका है, बी नाम हो चुका है, तो इसको मैं अपनी तरफ से एक्स नाम दे देता हूँ, है ना। तो अगर टर्बुलेंट फ्लो की मुझसे पूछा जाता है कि बताइए वेलोसिटी प्रोफाइल बनाइए, तो मैं उसी तरह से काम करता है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए पहले तो एक वर्टिकल लाइन खींच देता, और इस वर्टिकल लाइन के खींचने के बाद ऐसी कोई प्रोफाइल तैयार कर देता। ठीक है, ऐसी कोई प्रोफाइल तैयार कर देता, तो ये जो मेरी प्रोफाइल निकल के आएगी, तो दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड टर्बुलेंट प्रोफाइल, सॉरी हाँ, तो ये प्रोफाइल मेरी टर्बुलेंट प्रोफाइल आएगी। इस पर मैं वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये मेरी वेलोसिटी रही, ये मेरी वेलोसिटी रही, ये मेरी वेलोसिटी रही, और इससे जो लाइन खींची जाएगी, इससे जो लाइन खींची जाएगी वो लाइन मेरी कह सकते हो कि अप्रॉक्स जो है, थोड़ा लाइन ने को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, तो इस तरह से मैंने बढ़ा दिया। तो ये जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लाइन खींची रही, ये लाइन, तो ये लाइन मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन मेरी यू नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोफाइल जो बनाई, ये प्रोफाइल कह सकते हो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए जो प्रोफाइल मिलती है वो मुझे पैराबोला मिलती है, लेकिन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए ये जो प्रोफाइल मिलती है, ये प्रोफाइल मुझे लॉर्ड रथमिट मिलती है, लॉर्ड रथमिट। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं अब इसमें, है ना। जैसे कि लेमिनार फ्लो के लिए जो मिलने वाली प्रोफाइल होगी वो पैराबोला होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ फ्लैट प्लेट, फॉर अ फ्लैट प्लेट कह सकते हो कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए मिलने वाली प्रोफाइल लॉर्ड रथमिट है, लेमिनार सब लेयर की प्रोफाइल लीनियर है। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस कहलाएगी, दिस थिकनेस, तो ये जो थिकनेस कहलाएगी, इस थिकनेस को मैं डेल्टा कहूँगा, परंतु ये डेल्टा टर्बुलेंट के लिए होगा और ये डेल्टा लेमिनार के लिए होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ क्लियर किए हैं, आप लोग एक एक करके सारी बातों को समझ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। शुरुआत में मैंने फ्लैट प्लेट दिखाई, उस फ्लैट प्लेट पे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन किया, मुझे पहला जोन लेमिनार जोन मिला, दूसरा जोन ट्रांजिशन जोन मिला, तीसरा जोन टर्बुलेंट जोन मिला, है ना। और मैंने कहा कि लेमिनार जोन में जो वेलोसिटी प्रोफाइल आएगी वो पैराबोला आएगी, टर्बुलेंट जोन में जो वेलोसिटी प्रोफाइल आएगी वो लॉर्ड रथमिट फॉर्म की आएगी, लेमिनार सब लेयर कहाँ मिलती है, वो लेमिनार सब लेयर ड्यू टू विस्कस फोर्स आता है आपका, छुट्टी प्लेट के आसपास जो है सियर। अब मैंने यहाँ तक दिखाई है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक दिखाई है तो इतने पोर्शन के लिए इतने पोर्शन को हटा भी देता हूँ, छुट्टी प्लेट आप यहीं तक मान लीजिए ना। ठीक है,
तो मैंने कहा कि लेमिनार सब लेयर की जो प्रोफाइल आती है वो ड्यू टू विस्कस फोर्स आती है आपकी, और लेमिनार सब लेयर की प्रोफाइल लीनियर होती है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस आती है इसका मान बहुत कम होता है आपका, ठीक है। लेमिनार सब लेयर टर्बुलेंट प्रोफाइल के नीचे मिलती है और प्लेट के पास में मिलती है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर हो जाता है कि बाउंड्री लेयर कितने तरह की होती है। अब ये जो थिकनेस के मान आए हैं, डेट मीन्स लेमिनार के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी है, टर्बुलेंट के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी है, लेमिनार सब लेयर की बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी, ये मान मुझे बताने हैं, ठीक है। तो ये मान मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं रेनॉल्ड नंबर के बारे में थोड़ा सा और आपको डिस्कस कर दूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिस इज कॉल्ड लीडिंग एज, और जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा, मतलब जो मैं एक्स मानूंगा वो एक्स मैं लीडिंग एज से ही मानूंगा। तो मैं अगर ऐसा कह दूं कि इन जनरल कोई भी सेक्शन लीडिंग एज से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है, तो उस सेक्शन पे रेनॉल्ड नंबर कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं उस पॉइंट को निकाल लेता हूं और देखता हूं कि रेनॉल्ड नंबर कितनी है। तो मैं अभी अभी जो बात बोली है उस बात पर लिख दूं कि रेनॉल्ड नंबर एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम लीडिंग एज, मतलब मैं लीडिंग एज से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर बता रहा हूं कि बताइए रेनॉल्ड नंबर कितनी होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप देखिए स्मॉल एक्स डिस्टेंस से बता रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस रेनॉल्ड नंबर को आर ई एक्स लिखा जा सकता है बराबर। तो फॉर्मूला होता है रो यू टी जगह यू नॉट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और कितने डिस्टेंस पे बतानी है एक्स, तो रो यू नॉट इंटू एक्स डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि किसी इन जनरल स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर मिलने वाली रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहां पर ये जो यू नॉट है और एक्स है रो है ये सब पता है, लेकिन एक्स को सुन लीजिए, इस एक्स को बोला जाता है कैरेक्टर स्ट्रेट लेंथ, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, है ना। आगे बात सुनिए, जब आप लोगों को पाइप फ्लो पढ़ाया गया था तो पाइप फ्लो में एक बात बताई गई थी कि फ्लो लेमिनार कब होता है, फ्लो टर्बुलेंट कब होता है। तो लेमिनार फ्लो उस समय होता है जब उसकी रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होती है, टर्बुलेंट फ्लो तब होता है जब उसकी रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा होती है। परंतु बात यहां पर फ्लैट प्लेट की हो रही है, तो फ्लैट प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। क्या है वो क्राइटेरिया वो भी समझ लीजिए। अगर मैं बात करता हूं फॉर फ्लैट प्लेट, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी मैं बात फ्लैट प्लेट की करता हूं तो फ्लैट प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है क्राइटेरिया, सर क्राइटेरिया ये हो जाता है कि यदि रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से कम है, 5 × 10⁵ से कम है, तो ध्यान रखिएगा फ्लो तुम्हारा लेमिनार हो जाता है, फ्लो आपका लेमिनार हो जाता है, क्लियर है। और यदि रेनॉल्ड नंबर आपकी 5 × 10⁵ से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा तब फ्लो मेरा टर्बुलेंट हो जाता है, तब फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये जो दो मैंने क्राइटेरिया आपको बताएं, ये क्राइटेरिया जो है फ्लैट प्लेट के लिए है। और आप थोड़ा सा गौर से देखिए इन दोनों क्राइटेरिया में, भाई 5 × 10⁵ से कम है तो लेमिनार, ज्यादा है तो टर्बुलेंट, लेकिन इन दोनों क्राइटेरिया में मैंने कहीं पर भी ट्रांजिशन जोन को शामिल नहीं किया, कहीं पर भी ट्रांजिशन जोन को शामिल नहीं किया इन दोनों में, चेक कीजिए। तो जब भी कभी ट्रांजिशन जोन शामिल ना किया जाए तो आपको ये क्राइटेरिया लगाना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांजिशन जोन को शामिल भी कर लिया जाता है, तो जब शामिल कर लिया जाए तब क्या क्राइटेरिया होता है, तब आपका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कि उस समय आर ई एक्स यदि लेस देन 5 × 10⁵ है तो फ्लो उसी तरह से कैसा होगा, लेमिनार फ्लो होगा, फ्लो उसी तरह से लेमिनार होगा। परंतु यदि आर ई एक्स 10⁷ से ज्यादा है तब उस समय जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, तब उस समय फ्लो आपका टर्बुलेंट होगा। बट यदि आर ई एक्स का मान 5 × 10⁵ से ज्यादा हो और 10⁷ से कम हो तो जो फ्लो होगा वो तुम्हारा ट्रांजिशन होगा, तो फ्लो तुम्हारा ट्रांजिशन होगा। तो क्राइटेरिया तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर 5 इंटू
ट्रांजिशन फ्लो सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, शामिल नहीं किया जा रहा है, तो ये क्राइटेरिया है कि 5×10^5 से कम है तो लेमिनार और ज्यादा, और अगर शामिल किया जा रहा है तो यहां पर कह सकते हो 5×10^5 से कम है तो लेमिनार, और 10^7 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, लेकिन 5×10^5 और 10^7 के बीच में है तो फ्लो हमारा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो ये बात आप सब लोग रोटो, हाँ ये बात जरूर कह सकते हो कि लेमिनार फ्लो जो है हमारा इस 5×10^5 तक रेनॉल्ड नंबर तक बनेगा, उसके बाद फिर फ्लो धीरे धीरे टर्बुलेंट होना शुरू कर देगा। बोले भाई बात सबको समझ में आ रही ना, तो मैंने यहां पर आपको रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला भी बताया। ठीक है, अभी अभी मैंने जो डायग्राम बताया उस डायग्राम में बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं कि टॉप प्रोफाइल कैसी बनेगी, थिकनेस इंपॉर्टेंट पॉइंट थिकनेस का, तो वो थिकनेस मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि लेमिनार फ्लो के लिए ये बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी आती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितनी आती है, और लेमिनार सब लेयर की थिकनेस कितनी होती है, है ना, ये सब बातें बारे में बताने जा रहा हूं। और बाउंड्री बाउंड्री लेयर ध्यान रखना, बाउंड्री लेयर वो लेयर होती है जिस पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाती है, 99% बराबर हो जाती है। चलिए, तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया अभी अभी, ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मैं थिकनेस के लिए फॉर्मूला बना दूं। पहला देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी होती है, तो सुनिए बड़े ध्यान से, लेमिनार फ्लो के लिए जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है उसका फॉर्मूला होता है 5×x डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो है मेरे लेमिनार फ्लो की बाउंड्री लेयर की थिकनेस का होता है, ये फॉर्मूला मेरे लेमिनार फ्लो के बाउंड्री लेयर की थिकनेस का होता है। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला उस समय वैलिड होता है जब कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी गई हो, कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी गई हो। ये फॉर्मूला जो दिया था वो ब्लेसियस ने अपने रिजल्ट में दिया था, तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अभी कि ब्लेसियस के रिजल्ट से निकला है। तो जब भी कभी कोई वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी जाए तो आप थिकनेस ऑफ लेमिनार फ्लो वो 5x डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स लगाओगे। आर ई एक्स का क्या मतलब है सर, आर ई एक्स का मतलब बस इतना सा है कि आप x डिस्टेंस पर रेनॉल्ड नंबर निकालना। बोल बात तो समझिए बात को, है ना, आगे बात सुनिए। देखिए यहां से एक बात एकदम अंडरस्टूड है कि जब भी तभी x जीरो होगा तो डेल्टा लेमिनार जीरो हो जाएगा, मतलब अगर x जीरो है और x जीरो होता है लीडिंग एज पर, तो लीडिंग एज के लिए लेमिनार फ्लो की जो थिकनेस होगी वो तुम्हारी जीरो हो जाएगी आपके। ठीक है, आगे बात सुनिए, यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला जाता है कि लेमिनार फ्लो की जो थिकनेस है, लेमिनार फ्लो की जो थिकनेस है वो x पर किस तरह डिपेंड करती है, डेल्टा लेमिनार जो होगा वो x पर किस तरह से डिपेंड करता है ये आपको बताना है। डेल्टा लेमिनार x पर किस तरह डिपेंड करता है, अब बहुत ध्यान सुनना सर, ऊपर x है, ऊपर x है, नीचे अंडर रूट आर ई एक्स है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला अभी अभी देखिए मैंने क्या बताया था, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बताया था रो वी एक्स बटे म्यू, यानी रेनॉल्ड नंबर x के समानुपाती है। अगर रेनॉल्ड नंबर x से समानुपाती है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नीचे अंडर रूट x लग जाएगा क्योंकि अंडर रूट आ रही है x से। तो एक बात बताओ, x ऊपर है अंडर रूट x नीचे है, अगर दोनों का कंप्लीट समय वो देखेंगे सोल्यूशन तो एक अंडर रूट x ही तो बचेगा, तो जो रेनॉल्ड नंबर है वो x की पावर 1/2 या आप सीधा सीधा अंडर रूट x कह सकते हैं फॉर लेमिनार फ्लो। तो ध्यान रखिएगा लेमिनार फ्लो के लिए जो थिकनेस ऑफ लेमिनार फ्लो होती है, थिकनेस ऑफ लेमिनार फ्लो वो अंडर रूट एक्स के समानुपाती होती है। ठीक है, अंडर रूट एक्स के समानुपाती। हाँ, अगर मैं प्रोफाइल की बात करता कि सर याले टेस्ट में बताइए प्रोफाइल कैसी मिली थी, तो मैंने अभी अभी बताया था कि याले टेस्ट में जो प्रोफाइल मिली थी वेलोसिटी की, वो प्रोफाइल मुझे मिली थी पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो मैंने थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर लेमिनार फ्लो आपको बता दिया कितनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 5x डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अरे आइए थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए सुनिए, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो थिकनेस का फॉर्मूला होता है फॉर बाउंड्री लेयर, हालांकि ये फॉर्मूला ब्लेसियस ने अपने रिजल्ट में दिया था, मैं आपको प्रूफ करना भी बताऊंगा कैसे किसी प्रोफाइल के लिए थिकनेस निकाली जा सकती है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो था 0.377x डिवाइड बाई आर ई एक्स की पावर
1/5 आर ई एच की पावर 1/5। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो दिया था ये ब्लेशियस ने अपने रिजल्ट में दिया था, एक्सपेरिमेंट में दिया था, और इस फॉर्मूले के द्वारा क्या बोलते हैं इन डिस्टेंस एक्स पर हम टर्बुलेंट फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए, जो सिमिलर बात मैंने अभी ऊपर प्रूफ की वही सेम बात मुझे यहां भी प्रूफ करनी है, यहां भी प्रूफ करनी है कि जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो थिकनेस होती है, लेमिनार फ्लो की थिकनेस होती है वो एक्स पर किस प्रकार डिपेंड करती है। तो कहोगे ऊपर भी एक्स है सर, ठीक है, नीचे रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5 है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आया था रो वी एक्स अपॉन म्यू, तो रेनॉल्ड नंबर एक्स से समानुपाती है, तो कन्फर्म ये एक्स की पावर लग जाएगा यहां पर 1/5 एक्स की पावर 1/5। अब एक बात बताओ, ऊपर एक्स है नीचे एक्स की पावर 1/5 है तो कितना हो गया सॉल्व कराने पर, एक्स की पावर 4/5 हो गया ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो है वो एक्स की पावर 1 ऊपर नीचे 1/5 तो कट जाएगा 4/5। तो जो थिकनेस फॉर टर्बुलेंट फ्लो होती है बाउंड्री लेयर की वो एक्स के 4/5 पावर के समानुपाती होती है, एक्स की 4/5 पावर की समान होती है। हाँ, उसी तरह से मैं आपसे पूछता कि सर याले केस में बताइए प्रोफाइल कैसी आई थी, तो याले केस में जो प्रोफाइल आई थी मैंने अभी थोड़ी देर बताया लॉर्ड रथमेट आई थी। क्लियर है, लॉर्ड रथमेट प्रोफाइल। अरे लॉर्ड रथमेट कैसे आ रहा है वो मैं अभी थोड़ी देर में बता भी दूंगा आपको कैसे लॉर्ड रथमेट प्रोफाइल होगी। अरे यही है थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर, तो लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस थी इसको मैं लेमिनार और साथ साथ क्या था सब लेयर, तो लेमिनार फ्लो सब लेयर की जो थिकनेस, अच्छा मैंने पहले ही बताया था लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, इसी वजह से इसकी जो प्रोफाइल मानी जाती है लेमिनार सब लेयर की जो प्रोफाइल मानी जाती है वो लीनियर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, लीनियर, ध्यान रखना। अब इसका फॉर्मूला सुनिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 11.6 न्यू डिवाइड बाई वी स्टार। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 11.6 न्यू, न्यू मतलब यहां पर जो ऊपर लिखा है ये न्यू है, न्यू मतलब काइनामेटिक विस्कोसिटी, और नीचे है वी स्टार, वी स्टार को बोलते हैं हम लोग सियर वेलोसिटी। भाई ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको, है ये भी ब्लेसियस ने अपने रिजल्ट में दिया था। तो 11.6 न्यू डिवाइड बाई वी स्टार, न्यू है काइनामेटिक विस्कोसिटी। सर ये नीचे जो लिखा हुआ है वी स्टार ये क्या है, सर वी स्टार को बोला जाता है सियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, सियर वेलोसिटी। अब वी स्टार निकालने का फॉर्मूला सुनिए, अगर आपको वी स्टार निकालना है डेट मीन सियर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लोग अंडर वुड वॉल सियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउन आउट से, मतलब जो आपकी फ्लैट प्लेट थी उस पर सियर स्ट्रेस डिवाइड बाई डेंसिटी। तो अगर आप लोग वॉल सियर स्ट्रेस में डेंसिटी का डिवाइड करके उसका रूट ले लेंगे तो उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो सियर वेलोसिटी मिलेगा, और सियर वेलोसिटी को यहाँ पुट कराइए तो लेमिनार सब लेयर की थिकनेस पता चल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस का फॉर्मूला होता है वो 11.6 न्यू डिवाइड बाई वी स्टार, और कह सकते हो कि वी स्टार मेरी सियर वेलोसिटी होती है। तो मैंने उन पॉइंटों को क्लियर कर दिया कि जिन पॉइंटों पर लेमिनार सब लेयर है और थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर लेमिनार फ्लो, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कैसे आनी है। हर फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले यहाँ बताए जा रहे हैं एक एक फॉर्मूले भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक फॉर्मूलों को यहाँ पर रेडी रखना है।